Hi everybody and assalamu alaikum, welcome back to my channel. This is Aisha. Aaj ki video is super duper exciting and it was super requested by a lot of people on my Instagram. Sabne mujhe kaha tha ki why don't you make a video on your favorite lipsticks, and I decided yes, now is the time. Aaj banani hai video. Aaj I'm going to show you guys my favorite locally available lipsticks, jisme sari jo bhi lipsticks hain aur jo bhi lip पेंसिल्स जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो सारी की सारी लोकली अवेलेबल हैं. यू गाइज़ कैन फाइंड देम एनी वेयर इन पाकिस्तान, कहीं पर भी, किसी भी लोकल शॉप पे मेकअप की आपको ये मिल जाएंगी. सो या विदाउट फर्दर ड्यू, मुझे कोई लंबी करने का दिल नहीं चाह रहा, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. ओके गाइज, सो बिफोर डाइविंग इन टू द वीडियो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ दैट आई एम ओनली गोइंग टू टॉक टू यू गाइज अबाउट बुलेट लिपस्टिक्स एंड लिप पेंसिल्स. मैं लिक्विड लिपस्टिक्स की इस वजह से बात नहीं करी क्योंकि सबसे पहली चीज़ लिक्विड लिपस्टिक्स ना यहाँ पे जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग होती हैं. कोई भी आप लोकली कोई भी लिपस्टिक ले लो, जो लिक्विड लिपस्टिक है वो इतनी ज़्यादा ड्राइंग होती है कि आपके लिप्स ना बहुत ज़्यादा, आपके लिप की लाइन्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाती हैं. इस वजह से मैं कोई लिक्विड लिपस्टिक रेकमेंड नहीं कर रही. जो मैट लिप ग्लॉस या लिक्विड लिपस्टिक्स जो मैट होती हैं, मैं वो वाली रेकमेंड नहीं कर रही. इसी वजह से मैं उनके बारे में बात भी नहीं करूँगी. लेकिन चूँकि हमारे पास बहुत अच्छी बुलेट लिपस्टिक्स और लिप पेंसिल्स होती हैं, आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड टू गेट मैट लिपस्टिक, लाइक मैट लिक्विड लिपस्टिक. इट्स बेटर टू गेट बुलेट लिपस्टिक्स बिकॉज उनके शेड्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको लोकल ब्रांड्स में, और उसके अलावा आपको लिप पेंसिल्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं. अगर आप लिप पेंसिल लगा कर बुलेट लिपस्टिक लगाओगे तो खुद ब खुद ही वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है. आई नो कि लिक्विड लिपस्टिक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप किसी ड्रग स्टोर ब्रांड की लाइक मेबेलिन, रेवलॉन और एसेंस इनकी या लशस की. Even Sweet Touch has become a drugstore brand because वो थोड़ा expensive हो गया है, तो इस वजह से आई डोंट लाइक कॉलिंग इट अ कम्प्लीटली लोकल ब्रांड. तो या इस वजह से आप उसमें इन्वेस्ट कर लो इंस्टेड ऑफ बाइंग जो बिल्कुल आपको नॉर्मली चेज वगैरह से, हमदास वगैरह से जो आपको लिक्विड लिपस्टिक्स मिल जाती हैं. डोंट गेट दोज बिकॉज वो अगेन बहुत ड्राइंग होती हैं. सो या सबसे पहली जो लिपस्टिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस आर फाइव ऑफ माई फेवरेट बुलेट लिपस्टिक्स. अब ये रही ये पांचों, एक ये रही एंड ऑल दीज. आप कुछ ब्रांड्स को यहाँ पे पहचान ही गए होंगे बाय लुकिंग एट देयर कवरिंग. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट रेड शेड्स. रेड शेड इस वजह से मैं बात कर रही हूँ बिकॉज सम पीपल जस्ट कैन नॉट गेट ओवर रेड शेड. सम पीपल जस्ट लव अप्लाइंग रेड शेड एवरी सिंगल डे, एंड I understand you guys because red shades are absolutely beautiful on your lips. चाहे किसी का जैसा भी कलर हो उसके ऊपर वो बहुत अच्छी लगती है. सो बेसिकली मेरी जितनी भी लिपस्टिक जो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये ऐसी लिपस्टिक्स हैं कि ये टैन स्किन, जैसे मेरी टैन और वीटिश स्किन है, इस तरह की स्किन पे अच्छे से सूट भी कर जाती हैं. एंड यू नो दे आर लॉन्ग लास्टिंग, प्लस मोस्ट ऑफ देम आर न्यूड्स, तो ईजिली आप इनको यूनिवर्सिटी भी लगा के जा सकते हो. एंड द फर्स्ट लिपस्टिक आई हैव ओवर हियर इज़ दिस बीक्यूट की लिपस्टिक इन 437, शेड नंबर 437, एंड दिस इज़ दिस गॉर्जियस रेड ऑरेंज शेड. आई लव दिस लिप कलर. मैं इसको रोज़ तो नहीं लगाती, लेकिन मैं इसको यूजली किसी पार्टी वगैरह में अगर जा रही हूँ तो मैं इसको ये लगा लेती हूँ. आई रियली लाइक इट. इट्स नॉट द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक. बीक्यूट की इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स नहीं होती, बट इट्स अ वेरी प्रिटी शेड. सो यू नो दिस इज़ समथिंग लाइक 200 रुपीज़ की या 400 रुपीज़ की, आई एम नॉट श्योर. मैंने ये 200 की खरीदी थी लेकिन मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है. प्रॉब्ली अब महंगी हो गई हो, तो अगर महंगी हो भी गई होगी तो भी ये 400 से बिलो की ही होगी. आप ये ख़रीद सकते हैं. दिस इज़ अगेन अ वेरी प्रिटी शेड. इट्स अ वेरी प्रिटी रेड शेड. इफ़ यू लुकिंग फॉर अ रेड शेड दैट विल सूट योर व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, तो ये शेड बहुत प्यारा है. ओके, सो नेक्स्ट लिपस्टिक दैट आई हैव ओवर हेयर इज़ बाय रिवाज. नाउ हु डजंट नो रिवाज? रिवाज इज़ लाइक द मोस्ट फेमस ब्रांड इन पाकिस्तान, तो और वो लोकली अवेलेबल है, एंड यू नो इट्स अ लोकल ब्रांड. सो या इसका ये शेड है प्योर मैट लिपस्टिक इन द शेड नंबर 5. दिस इज़ अ वेरी नाइस पिंकी. ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है बिकॉज ये मैं रोज़ लगाती हूँ. दिस इज़ अ पिंकी न्यूड सा शेड, पिंकिश ब्राउन सा शेड. इट्स वेरी प्रिटी, लुक्स रियली नाइस ऑन योर लिप्स. बहुत नेचुरल सा फिनिश देता है. अगर आपका ये व्हीटिश स्किन है अगेन, तो ये आपको बहुत नेचुरल सा लुक देगा. अगर आपकी बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है तो उस पर भी बहुत नेचुरल सा लुक देगा. सो हेयर इज़ अ स्वॉच ऑफ इट.
ये भी अगेन आई गेस 150 या 200 रुपीस की है, कहीं भी मिल जाएगी आपको आराम से। रिवाज के काफ़ी ज़्यादा जगह पे आउटलेट्स हैं, आप उधर से भी ले सकते हो या फिर आप नॉर्मल कॉस्मेटिक शॉप से भी ले सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगी। सो या दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स। ओके सो नेक्स्ट अप आई हैव लिपस्टिक्स फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स, जिसके मैट शेड्स आर लाइक एवरी वन्स फेवरेट, हमारी नानियाँ दादियों से लेके अभी तक सबको इंतहाई पसंद है ये ब्रांड। एंड ये सबसे वाइडली अवेलेबल आई गेस लिपस्टिक्स की, और सबको ये इस ब्रांड का पता है, सबके पास कहीं ना कहीं एक ना कोई एक ना एक लिपस्टिक ज़रूर इस ब्रांड की होगी, एंड दैट इज़ मेडोरा। सो या आई हैव टू शेड्स ओवर हियर, मेरे पास बहुत सारे शेड्स हैं मेडोरा के, लेकिन आई एम गोइंग टू ओनली शेयर द वंस जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड दीज टू शेड्स आर दिस वन, सबसे पहले ये वाला, दिस इज़ ट्रू मरून मैट 284। दिस इज़ अ शेड, इट्स अ मरूनिश रेड शेड, ये लग बहुत मरून रहा है लेकिन जब आप इसको लगाओगे ना तो इट्स लाइक डार्क 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 पिंक विद अ हिंट ऑफ रेड। सो इट्स नॉट कम्प्लीटली मरून, ये मैं बता दूँ, इट्स नॉट कम्प्लीटली मरून, वंस यू अप्लाई इट यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट कम्प्लीटली मरून, बट इट्स अ रियली प्रिटी शेड एंड लुक्स रियली रियली नाइस इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट ऑन अ पार्टी और समथिंग। अगर आपने बहुत लाइट सा मेकअप किया हुआ, आप बस ये लिपस्टिक लगाएंगे, यू नो यू गुड टू गो, इतना प्यारा लगता है ये। ओके सो द नेक्स्ट शेड दैट आई हैव ओवर हियर फ्रॉम मेडोरा अगेन इज़ अ मैट शेड इन ब्राउन टॉम टॉम 28246। दिस इज़ द शेड गाइज, सच अ प्रिटी शेड, honestly this looks so beautiful on my lips, मतलब जब भी मैं ये लिपस्टिक लगा के जाती हूँ एवरीवन आस्क ये कौन सी लिपस्टिक है। सो अगेन दिस इज़ अ रियली प्रिटी शेड, अगर आपको ब्राउन शेड्स पसंद हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। एंड हेयर इज़ अ स्वॉच, सो द नेक्स्ट शेड आई हैव इज़ फ्रॉम अ ब्रांड विच इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव दैन मोस्ट ऑफ दीज लिपस्टिक्स। अगेन वाई इज़ इट एक्सपेंसिव, देर इज़ अ रीज़न टू इट, ये वाली जो लिपस्टिक है ना, दिस इज़ द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग इन ऑल ऑफ दीज, इन सब लिपस्टिक्स में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है ना वो जनाब ये है। दिस इज़ द लिपस्टिक, दिस इज़ द डैज मैट एज मैट लिपस्टिक इन रोस्टेड आलमंड, ये ब्रांड जो है ना आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 400 तक की। ये वाली जो लिपस्टिक है आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन दिस इज़ अ रियली प्रिटी शेड, और इन सब लिपस्टिक्स में से सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है वो यही है। हेयर इज़ अ स्वॉच ऑफ इट, अगेन बहुत प्यारा सा न्यूड शेड है, आप इसको रोज़ लगा सकते हो अपने लिप्स पे अगर आपको न्यूड शेड्स पसंद है। इट्स अगेन अ प्रिटी पिंक एंड ब्राउनिश मिक्स ऑफ अ शेड, ये थोड़ी सी महंगी है बट आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ मोर वर्थ इट देन ऑल ऑफ दीज। अगर आपको इसमें रेंज भी बहुत प्यारी है न्यूड शेड्स की, तो आपको आराम से मिल भी जाएगा अपना फेवरेट कलर। तो या अगेन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, सो डोंट फॉरगेट टू गेट दिस वन एज वेल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यूड शेड। ओके अब जो बारी है वो है लिप पेंसिल्स की, जो कि अगेन आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लिप पेंसिल आर मोर लॉन्ग लास्टिंग देन दीज बुलेट लिपस्टिक्स ऑब्वियसली। आप लिक्विड लिपस्टिक अगर आपके पास नहीं है तो आप इन लिप पेंसिल्स को लगाकर उसके बाद आप ये बुलेट लिपस्टिक लगा सकते हो एंड आप की जो लिपस्टिक है ना वो इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। सो आई हैव आई गेस 10 लिपस्टिक्स ओवर हेयर, आई थिंक सो, लेट मी काउंट। ओके सो आई हैव लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिपस्टिक्स। ओके सो या लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शेड, अब मैं इनको अपने हाथ में यहीं पे डायरेक्टली स्वॉच कर रही हूँ। सबसे पहला शेड जो है इट्स अ प्रिटी न्यूड शेड, दिस इज़ बाय रिवाज, इट्स अ लिप एंड आई पेंसिल, इट्स इन नंबर 03। सो दिस इज़ द शेड, सच अ नाइस शेड, आप देख सकते हो कितना प्यारा ये शेड है। इट्स अ न्यूड शेड, आप इसको लगा कर कोई सी भी न्यूड लिपस्टिक लगा दो तो इट विल बी सुपर लॉन्ग लास्टिंग। Then I have this shade, it's Christine का brown shade। अभी brown shade जो है ये usually मैं as a eye pencil use करती हूँ क्योंकि it looks nice as an eye pencil, but again it looks really nice on lips। अगर आपको dark brown सा shade चाहिए तो आप ये पूरा अपने lips पर लगा सकते हो, it will look really really pretty। Okay, next shade that I have is this Cosmee International का shade, which is called Fiesta। ये शेड मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में भी यूज़ किया, आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज़ सच अ प्रिटी शेड, दिस इज़ माय फेवरेट लिप पेंसिल एंड दिस इज़ द शेड
यू कैन सी सच अ नाइस डार्क पिंक सा शेड है और ये बहुत अच्छा लगता है आपके लिप्स पे इफ़ यू आर अ व्हीटिश पर्सन सो दिस विल लुक रियली रियली गुड फॉर यू. देन आई हैव कॉस्मी इंटरनेशनल की अगेन लिपस्टिक इन स्पाइस एंड दिस इज़ अ शेड. ये थोड़ा ग्लिटरी शेड है, मुझे ये शेड बहुत पसंद है लेकिन ये थोड़ा ग्लिटरी है, इसमें थोड़ी ग्लिटर चंक्स हैं तो इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन अगर इसका सिर्फ ग्लिटर के बगैर ये शेड होता ना तो ओ माई गॉड दिस शेड इज़ लिटरली द बेस्ट. यू गाइस कैन सी सच अ नाइस शेड. अगर काश बस ये ग्लिटर के बगैर होता तो मैं यूजली क्या करती हूँ कि इसको लगा के ना इसके ऊपर मैं कोई मैट शेड लगा लेती हूँ जो इससे थोड़ा मिलता जुलता हो, या फिर कोई मैट शेड लगा के उसके ऊपर ये लगा लेती हूँ तो यू नो इट लुक्स नाइस. इसका ग्लिटर के जो चंक्स हैं ना वो थोड़े कम नज़र आते हैं, लेकिन अगेन इट्स अ रियली प्रिटी शेड. इफ़ यू लाइक ग्लिटरी लिपस्टिक यू विल लव दिस. काश बस ये ना ग्लिटर के बगैर होता तो बहुत ही अच्छा लगता मुझे. नेक्स्ट अप अगेन आई हैव अ कॉस्मी इंटरनेशनल की लिपस्टिक इन इम्प्रेसिव, अगेन अ वेरी प्रिटी शेड. सी दिस, दिस इज़ मोर ऑफ अ रेड रेड चेरी लिपस्टिक. चेरी शेड अगर आपको पता हो तो दिस इज़ अ चेरी शेड. बहुत प्यारा शेड है एंड आई लव 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 इट. ओके, कमिंग अप टू आर नेक्स्ट लिपस्टिक, दिस इज़ अ रिवाज की लिपस्टिक. इसका नंबर है 032, इट्स कॉल्ड न्यूड. सो आई एम गोना स्वॉच इट फॉर यू. See how perfect this nude is. So जो लोग कहते हैं ना कि यार local lipsticks में अच्छे nudes नहीं होते, यार ये देखो these nudes are beautiful. ठीक है, I think they look really good on your whitish skin or even if you have fair skin, ये बहुत अच्छे लगते हैं. So look at this shade. I mean इससे और क्या चाहिए आपको, इतना प्यारा शेड है. और आई गेस ये lipsticks lip pencils जो हैं ये सिर्फ 100 रुपये की होती हैं, बल्कि इससे भी कभी कभी कम की मिल जाती हैं आपको. And now the next shade that I have is by Tony and Tina. This is like, I don't know ये कौन सी ब्रांड है, बट ये मुझे लोकली मैंने KDA मार्केट से ली थी ये लिपस्टिक. इट्स इन द शेड 213. ठीक है, दिस इज़ अगेन अ न्यूड शेड, न्यूड ब्राउनिश शेड. सी हाउ प्रिटी इज दिस शेड, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, इट्स सो प्रिटी. नेक्स्ट लिपस्टिक इज़ नॉट रियली अ न्यूड, इट्स मोर ऑफ अ पिंक, एकदम ना चीखता हुआ पिंक वाला कलर है ये, लेकिन इट लुक्स रियली गुड जब ये लिप्स पे लगता है. सो दिस इज़ द रिवाज लिप कलर इन नंबर 11, बेबी फ्यूशिया. सी दिस इज़ अ वेरी चीखता हुआ पिंक, अ वेरी चीखता हुआ पिंक, लेकिन इतना प्यारा लगता है लिप्स पे, लिप्स पे बहुत प्यारा लगता है. तो इफ़ यू समबडी हू इज़ लाइक रियली यंग ना, तो आई वुड से कि आप ये लिपस्टिक ले लो, ये ना ये बहुत प्यारी लगेगी आपकी. अगेन ऑल ऑफ दीज शेड्स आर मैट, कम्प्लीटली मैट, कोई ग्लॉसी श्लॉसी फिनिश नहीं है, एब्सोल्युटली मैट शेड्स. तो आप ये लगाओ तो आपके ऊपर बड़ा प्यारा लगेगा, लेकिन इवन मैं भी लगा लेती हूँ सो कोई मसला नहीं है, आप भी लगा सकते हो. नेक्स्ट अप आई हैव इज़ अगेन अ रिवाज की लिप पेंसिल एंड दिस इज़ इन द शेड, व्हाट शेड इज़ दिस यार, डार्क मैजेंटा. ठीक है, हियर इज द स्वॉच. सी सच अ प्रिटी शॉट. मेरे स्वॉचेस इतने बुरे हैं ना, मैं पता नहीं कैसे स्वॉच कर रही हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर दैट. लेकिन यू गाइस कैन सी हाउ प्रिटी दिस कलर इज. मैं अपने हाथ को यूं कर लूँ थोड़ा, हाँ अब सही है. सी दीज आर ऑल द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लिप पेंसिल के शेड्स. यू कैन फाइंड एवरी टाइप ऑफ न्यूड शेड इन लोकल ब्रांड्स. आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्सपेंसिव ब्रांड्स खरीदने की, इतने अच्छे लिप शेड्स हैं. सो गाइज दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट. ये बहुत रिक्वेस्टेड थी, सब लोग बोले जा रहे थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन लिपस्टिक्स और न्यूड लिपस्टिक्स, जो आप यूनिवर्सिटी भी लगा के जा सकते हो, जो आप ऑफिस भी लगा के जा सकते हो, जो बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो, जो बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो, जो परफेक्ट न्यूड्स हों, जो व्हीटिश स्किन के लिए हों. तो आई गेस मैंने जितनी भी लिपस्टिक्स की यहाँ पर डिस्कशन की है वो हर किसी को सूट भी करेंगी. कुछ लोगों के लिए वो परफेक्ट न्यूड्स भी होंगी, कुछ लोगों के लिए वो डार्क कलर्स भी हो जाएंगे, कुछ लोगों के लिए वो लाइट कलर्स भी हो जाएंगे. सो या दिस वॉज इट, आई होप यू गाइज आर गोना लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो ट्राई आउट दीज लिपस्टिक्स. और अगर आपने ये ट्राई आउट की हुई हैं और अगर आपकी कोई फेवरेट शेड्स हैं तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. और अगर आप ये ट्राई आउट भी करो मेरी रिकमेंडेशन पे, सो डोंट फॉरगेट टू टेल मी ऑन इंस्टाग्राम और मे बी ऑन यूट्यूब. ठीक है, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.